दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज दो दिवसीय वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। इस मेगा आईसीसी इवेंट के लिए भारत के स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा विश्व कप में टीम का कप्तान होंगे जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान। हालांकि ऐसे चार खिलाड़ी भी है जो T20 वर्ल्ड कप में खेलने योग्य था पर उनको मौका नहीं मिला या यूं कहे कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कौन है वो चार खिलाड़ी, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। नंबर एक रिंकू सिंह। खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह को भी भारत के मुख्य T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिला। उन्हें सिर्फ बैकअप के तौर पर रखा गया है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उनके जगह में खेलने का मौका मिलेगा। रिंकू सिंह ने भारत के लिए बतौर फिनिशर 15 T20 मैचों में 176 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए हैं। आईपीएल से पहले जितने भी T20 सीरीज में मौका मिला था उन्होंने बतौर फिनिशर जबरदस्त परफॉर्म किया था, जिसके चलते फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर मौका मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नंबर दो केएल राहुल। भारत के अनुभवी टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को भी मौका नहीं दिया गया, वही रिजर्व खिलाड़ी का हिस्सा भी नहीं है। राहुल का नाम ना देख पाना फैंस को थोड़ा हैरानी भी हुई। अगर केएल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने भारत के लिए 72 T20 मैचों में 139 के स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं। वही आईपीएल में खेले गए 127 मैचों में भी उनके नाम 4541 रन है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल उनके पास T20 मैच का काफी अनुभव है, पर इन्हें भी चांस नहीं दिया गया। नंबर तीन शुभमन गिल। टीम इंडिया का स्टार और युवा ओपनर शुभमन गिल को भी T20 वर्ल्ड कप में मुख्य स्क्वाड में जगह नहीं मिला है। उन्हें भी रिंकू सिंह की तरह रिजर्व में रखा गया है। गिल ने भारत के लिए 14 T20 मैचों में 147 का स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाया है। वही आईपीएल में भी 100 मैचों में 3094 रन बनाए हैं। नंबर चार श्रेयस अय्यर। अनुभवी टॉप ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को भी T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया गया। अय्यर ने T20 मैच में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने T20 फॉर्मेट में 47 मैचों में 136 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं। आईपीएल में भी उनके नाम 3000 से ज्यादा रन है। तो दोस्तों ये है चार खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के लिए प्रबल दावेदार थे पर हुआ नहीं। इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दोस्तों आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा प्लेइंग 11 बेटर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्रिकेट से जुड़ी खबरें के लिए।